नमस्कार, पत्रिका न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं लाली गोस्टा जबलपुर से हम एक बार फिर लाइव हैं। ग्रहों का दोष हो या कुंडली में कोई विकार या किसी प्रकार की दोष बाधा, हर बार हम ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं लेकिन हर एक नए प्रावधान मिल जाते हैं, नए उपाय मिल जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। कई बार स्थिति इतनी बनती है कि ग्रहों के कारण लोग हजारों रुपये से भी लुट जाते हैं, उसके बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो हम आज ऐसे ज्योतिषाचार को लेकर आए हैं और ऐसे ही कुछ समाधानों को लेकर आए हैं आपके पास कि जिन से उपायों से आप कुंडली दोषों को पहचान सकते हैं और ग्रहों की विपरीत चालों से भी आप अवगत हो सकते हैं और उनके विधि विधान शास्त्र सम्मत उपाय कर आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य सचिन देव महाराज, ये प्रखर भागवत वक्ता भी हैं और ज्योतिषाचारों कुंडली पर इनकी विशेषता है। तो आइए हम इनसे जानते हैं। पहले सबसे पहले महाराज जी, आपका पत्रिका में स्वागत है और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमने दर्शकों के लिए ये रखा है विषय कि कुंडली में किस तरह से दोष होते हैं जिनके कारण लोग भय और भयभीत होते हैं, जिस तरह से लोगों ने इसको भय बना दिया है जबकि यह ग्रहों की स्थितियां हैं, और ग्रहों की स्थितियां क्या होती हैं जब व्यक्ति परेशान होता है। तो महाराज जी, आपका स्वागत है, आप बताएंगे हमें किस तरह से अभी परेशानियां और कैसे पहचान सकते हैं कुंडलियों। देखें, पहले तो कुंडली में ज्योतिष कोई भय का विषय नहीं है और ग्रहयोग जो जन्म कुंडली में निर्धारित होते हैं, ग्रहयोग अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, परंतु जब ग्रहों की स्थितियां प्रतिकूल होती है, कोई योग जन्म कुंडली में निर्धारित होता है, तब उन ग्रहों से ग्रसित जातक या जातिका परेशान होते हैं। तो ज्योतिष कोई भय का विषय नहीं है, इनके यदि समस्याएं हैं तो समस्याओं के समाधान भी ज्योतिष की मतमतांतरों में बनाए गए हैं, उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ज्योतिष कोई भय का विषय नहीं है, ज्योतिष एक भविष्य का भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञान का एक परिकाठा है जिसके माध्यम से हमें संपूर्ण भविष्य की वर्तमान की जानकारी प्राप्त होती है और जीवन में जो भटकाव जीवन में आते हैं वो भटकाव दूर होते हैं और व्यक्ति एक सुगम मार्ग में, जैसे दिशा ठीक है तो दशा निश्चित तौर पर व्यक्ति की ठीक होगी। ये बताना चाहेंगे ग्रहों को लेकर क्या भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और अपनी समस्या का समाधान नहीं करा पाते। भ्रांति वाले जो शब्द आ रहा है, ग्रह कोई भ्रांति का विषय नहीं है, ग्रह तो एक समाधान का विषय है, क्योंकि हर एक स्थितियों में ग्रह अनुकूल भी परिणाम देता है, प्रतिकूल भी परिणाम देता है। जब ग्रहों की धनात्मक ऊर्जा या ग्रहों की स्थितियां सकारात्मक होती हैं तो व्यक्ति की कुंडली में कई प्रकार के राजयोग जिसके कारण व्यक्ति निरंतर बहुयामी तरक्कियों के बहुयामी प्रकल्पों में बढ़ता जाता है, और जब ग्रहों की प्रभाव कुछ नकारात्मक होते या कोई दोष कुंडली में वर्णित हो जाते हैं तब कहीं जाके व्यक्ति के जीवन काल में थोड़ी थोड़ी यहाँ परेशानी आती है, परंतु उन परेशानी भी कोई समस्या का विषय नहीं, उनके ज्योतिष के विषय में बहुत अच्छे समाधान बताए गए हैं। ये जानना चाहेंगे कुंडली दोष क्या कहलाता है। लोग अमूमन हम किसी ज्योतिषाचार्य या किसी पंडित के पास जाते हैं, प्रकांड पंडित होते हैं, वो कुंडली में दोष बताते हैं, चल ये है क्या। वैसे कुंडली पुनः शब्द को दोहराना चाहूंगा, कुंडली में दोष भिन्न प्रकार के, जब ग्रहों की ग्रह नीच अवस्था में हो, ग्रह अस्तंगत हो, किसी पाप पीड़ित ग्रह के साथ किसी ग्रह की युति हो, तब ये दोष कुंडली में निर्धारित होते हैं। जैसे मैं कुछ दोषों के नाम आपके सामने लेना बताना चाहूंगा, जैसे गुरु एक शुभ ग्रह माना गया, परंतु गुरु के साथ किसी भी भाव में राहु या केतु बैठ जाता है तो ये चांडाल योग चांडाल दोष बना देता है। इसी प्रकार से यदि हम जन्म कुंडली में राहु को हम चंद्र या सूर्य स्थितियों के साथ देखेंगे, सूर्य एक शुभ ग्रह माना गया, चंद्रमा भी एक देव ग्रह माना गया, सूर्य चंद्र दोनों देव ग्रह कहे गए हैं, परंतु जब ये बाप पीड़ित ग्रहों के साथ कहीं युति कर जाते हैं या ग्रसित हो जाते हैं तो ये दोषपूर्ण स्थितियों में निर्धारित हो जाते हैं। जब दोष स्थितियों में होते हैं तो इनके इन दोषपूर्ण स्थितियों में जब ग्रह आते हैं तो इनके निश्चित तौर पर कुछ समाधान होते हैं, उन समाधानों से व्यक्ति को दिशा और दशा दोनों परिवर्तन हो जाती है। ये बताएंगे कि जिस तरह से यदि किसी को कोई एक व्यक्ति परेशान होता है, बार बार उसे सफलता के चरम पर पहुंचने के बाद भी वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए मानसिक शांति के लिए। मानसिक शांति, चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत स्रोत्रा द्वायश्च प्राणाश्च मुखान दग्निर्जायत। तो चंद्रमा मानसिक शांति, जैसे ज्योतिष में हर एक ग्रहों के कार्य तत्व, जो आपका प्रश्न मानसिक शांति का विषय आया, तो मानसिक शांति का विषय काल जो काल गणनाओं के आधार पर ज्योतिष में ग्रह कहे गए हैं, हर एक ग्रह का एक कार्य तत्व ज्योतिष में निर्धारित किया गया है। जो आपने मानसिक शांति के विषय में प्रश्न रखा है उसका प्रमुख विषय चंद्र ग्रह संबंधित होता है। चंद्रमा ज्योतिष मतांतरों में
मन तत्व का कारक है, जैसे ग्रह है सूर्य आत्म तत्व को प्रतिनिधित्व करता है, आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, मंगल पराक्रम का कारक है, बुध वाणी का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, शुक्र सेक्सुअल एक्टिविटीज का कारक है, और शनि जो है वो गुण ज्ञान का कारक है। तो हरेक ग्रह के कार्य तत्व निर्धारित कहे गए हैं। जो आपने मानसिक शांति के विषय में कहा गया है, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए उस समस्या का किस ग्रह से संबंध निर्धारित होता है, और उस ग्रह से यदि हम समाधान करें, जैसे आपने मानसिक शांति के विषय, तो जिन जातकों की जन्म कुंडलियों में चंद्रमा नीच स्थिति में हो, चंद्रमा अस्तंगत हो, चंद्रमा किसी पाप पीड़ित ग्रह से संबंधित रख रहा हो, तो वह मानसिक शांति का विषय निर्धारित करता है। तो इससे बहुत समाधान, इसमें बहुत ही अच्छे सुगम चंद्रमा के समाधान दिए गए हैं। सोमवार के दिन जो चंद्रमा का प्रमुख चंद्रवार जिसको हम कहते हैं, सोमवार के दिन चंद्रदेव को दूध मिला जल इत्यादि अर्पण करने से, एक चांदी का टुकड़ा अपने पास निर्धारित रखने से, चंद्र के दोषों से मानसिक शांति व्यक्ति बिल्कुल साधारण उपाय से प्राप्त कर सकता है। इसमें भ्रांतियों के विषय में जाने का कोई आवश्यकता नहीं, केवल साधारण समाधान से भी मानसिक शांति चंद्र का उपाय करने से साधारण शांति प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि हमारे एक पाठक उन्होंने पूछा है कि उनको उनकी राशि तुला है, वो अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, वो प्रयास पूरे करते हैं काम, लेकिन उनके काम सफल होने के बावजूद उन्हें श्रेय नहीं मिलता, इसके लिए उन्हें क्या कारक बनना है? देखिए, यदि राशि विषय पे संसार में केवल 12 ही राशि बताई गई हैं, यदि राशि पे हम फलखंड देखें तो तुला राशि का स्वामी शुक्र है। यदि उनकी जन्म कुंडली में कहीं शुक्र अस्तंगत हो रहा होगा, भाग्याधिपति में नीचंगत हो रहा होगा, इस कारण से उनके जीवन में निरंतर सफलताओं में अंकुश लग रहा होगा 99। जैसे उन्होंने कहा, एक मैं सांप सीढ़ी का उदाहरण लेता हूं, व्यक्ति एक से लेकर 99 तक पहुंचा, 99 बैठे हुए सांप ने उसको काटा, पुनः एक पे पहुंचा दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि तुला राशि का जातक है, तुला राशि के जातकों का राशि स्वामी शुक्र होता है, शुक्र संबंधित उपाय करके, शुक्र संबंधित कुछ ग्रहों का समाधान करके, जैसे मैं शुक्र से संबंधित बात कह रहा हूं, शुक्र से शुक्र के जो कुछ उपाय हैं उनको करके वो अपने जीवन में सफलताओं को अर्जित कर सकते हैं। मैं कुछ एक उपाय में बात करता हूं, जैसे शुक्रवार के दिन किस गौ को रोटी में शक्कर रख के देने से, एवं अपने सिर से 11 दाने चावल उतार के सड़क पर डालने से शुक्र की व्याधियों से व्यक्ति को निवृत्ति मिल जाती है और उसके सफलताओं में 4 चांद लग जाते हैं, वो सफलताओं को प्राप्त करता है। जैसे अभिमन्यु चौधरी जी ने पूछा है, मुझे किस तरह से पूजन करना चाहिए कि मुझे मनोकामना पूरी हो, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही और उसके लिए कोई उपाय बताएं। अब मनोकामनाएं का मतलब है तात्पर्य, अब अभिमन्यु जी की राशि यदि हम उनके नाम से खले, क्योंकि ज्योतिष में कुछ आधार तो चाहिए, बिना आधार के, अब उन्होंने केवल प्रश्न करा भाई आधार से, अब जिस प्रकार से आपने ज्योतिष में कई ज्योतिष को समाधान करने के भिन्न भिन्न अंग हैं, जैसे नाम अक्षर, उन्होंने अपना अक्षर से नाम बताया, अक्षर से उनकी जन्म राशि, अभिमन्यु जी से उनकी राशि मेष होती है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, मंगल से संबंधित कुछ उपाय वो अपने जीवन में धारण करें जिससे वो अपने जीवन में सफलताओं को अर्जित किया कर सकते हैं। हमारी पाठक है गायत्री लाहौटी जी, उन्होंने पूछा है जीवन में अवरोध आए हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है साधारण पूजन को। जीवन में यदि अवरोध आ रहे हैं तो ग्रह से संबंधित यदि हटके साधारण व्यवस्थाओं की यदि हम देखते हैं तो उनके लिए शिव पूजन, श्रावण का पवित्र पावन माह चल रहा है, भगवान शिव की आराधना पूजन करने से उन्हें जीवन के अवरोध दूर किए जा सकते हैं। ये हमारी पाठक हैं योगिता उपाध्याय जी, उन्होंने पूछा है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है तो इसके लिए कुंडली के ग्रह जिम्मेदार हैं, यदि हाँ तो मानसिक परेशानी से मुक्ति के लिए उपाय बताएं। जैसे योगिता जी का प्रश्न बहुत ही अच्छा है, अभी हम थोड़ी देर पहले ग्रहों के कार्य तत्वों में बात कर रहे थे, जो चंद्र स्थिति पुनः वही विषय पुनः पूर्व के विषय में हम लौट के आते हैं। जैसे चंद्र के विषय में मैंने कहा कि चंद्रमा मन का कारक है, तो मानसिक शांति के लिए चंद्रमा का मजबूत जन्म कुंडली में मजबूत होना और चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका होना बहुत ही आवश्यक कही गई है। तो चंद्र यदि पीड़ित है, अभी मैंने पूर्व में भी चंद्र से संबंधित कुछ उपाय बताए हैं, यदि चंद्र से संबंधित वो कुछ उपायों को अपने जीवन में धारण करें तो निश्चित तौर पे जो मानसिक अशांति के विषय हैं वो दूर किए जा सकते हैं। ये अभी सावन माह चल रहा है तो जिस तरह से हम बोलते हैं स्वास्थ्य के लिए भी ये पूजन होता है, तो शिव का कौन सा पूजन जो रहेगा शुभ के जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो? भगवान शिव, यदि हम भगवान शिव के विषय में कहें, संसार में 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव उद्धार के देवता हैं, उद्धार अर्थात मोक्ष के देवता। अभी आप स्वास्थ्य संबंधित तो श्रावण के पवित्र पावन माह में भगवान शिव जो समस्त व्याधि को नाश करने वाले हैं उनका बहुत ही सुंदर शिव पूजन और भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र के आश्रय से जटिल कालों के काल महाकाल, जटिल से जटिल व्याधियों को, जटिल से जटिल रोगों को नाश करने में व्यक्ति को आसानी होती। इस भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का श्रावण के पवित्र माय पावन माय में हम आश्रय लेते हैं। इस आश्रय से हमारे जीवन के जटिल से जटिल स्वास्थ्य संबंधित व्याधियों का अंत हो जाता है। हमारे सौरभ कुमार है, पाठक है, उन्होंने एक सवाल पूछा है, मेरी मेष राशि है, कोई भी काम पूरा नहीं होता, किस्मत साथ नहीं दे रही है, काम बनते बनते पूरे नहीं हो पाते हैं, कोई उपाय है उनके लिए? पुनः फिर मेष राशि के विषय पे हम आते हैं। मेष राशि का को आधिपत्य करने वाला जो ग्रह है, मेष राशि का राशि स्वामी जो है मंगल है, वो मंगल से संबंधित कुछ उपाय करें। जैसे मंगलवार के दिन मसूर के दाने अपने सिर से उतारें, गुड़ मसूर के दाल के दानों का दान करें, एवं तांबे का टुकड़ा या तांबे का एक छल्ला अपने उंगलियों में, अनामिका उंगली में धारण करें, उससे उनसे मंगल संबंधित पीड़ा दूर होगी और उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। वासुदेव सोनी जी हैं, उन्होंने पूछा है, वो भविष्य उनका अधर्म नजर आता है, वो सब काम कर रहे हैं लेकिन अधर्म में उनकी स्थिति लगती है, वो भय है उनके या मन में भ्रांति बैठी है कि वो फ्यूचर सुरक्षित है या नहीं, तो वासुदेव सोनी जी जानना चाहते हैं उनकी राशि के अनुसार वो क्या पूजन करना चाहिए। वासुदेव सोनी जी का जो राशि, जैसे उनका नाम हमारे पास आया वासुदेव सोनी, इनकी राशि जो होती है वो जन्म कुंडली के नाम के आधार पर वृष राशि होती है। वृष राशि का स्वामी इनका शुक्र होता है। इनको शिव पूजन करना और एवं हनुमान जी का मंगलवार के दिन दर्शन करना, हनुमान जी का आराधना करना इनके लिए श्रेयस्कर होगा, एवं बन जाए तो सूर्य आराधना करके भी ये अपने जीवन की जटिल समस्याओं का अंत कर सकते हैं और ये अपने जीवन में तरक्की के बहुयामी प्रकल्प ये जीवन में धारण कर सकते हैं। हम ये जानना चाहें महाराज जी, कुंडलियों के अनुसार यदि राशि अनुसार बात करें तो किस भगवान की किस राशि वाले को पूजन श्रेयस्कर रहेगी या उसके लिए सब लाभदायक है? मैं क्रमबद्ध राशि पे प्रकाश डालता हूँ, किस राशि वाले जातकों को किस देवताओं का पूजन करना चाहिए जिससे वो जीवन में तरक्कियों के बहुआमी प्रकल्पों में प्रवेश करें। पुनः मैं प्रथम राशि से आपके सामने इन राशियों के अधिपति देवताओं पे और इनके पूजन पे प्रकाश डालता हूँ। प्रथम राशि मेष राशि कही गई है। मेष राशि का स्वामी मंगल कहा गया है और मंगल के जो मेष राशि के कुंडली के मेष राशि वाले जातक या जातिका हैं उन्हें भगवान विष्णु का पूजन करना बहुत ही श्रेयस्कर होगा। भगवान विष्णु के पूजन करने से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके उपरांत हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृष राशि का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। वृष राशि वाले जातक या जातिकाओं को आदि शक्ति में जगत जननी की आराधना पूजन करना श्रेयस्कर होता है, इसके इनके जीवन में जटिल से जटिल समस्याओं का अंत होता है। उसके उपरांत हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। इन राशि के जातक या जातिकाओं को भगवान गणेश जी का पूजन करना, गणेश जी का व्रत करना, गणेश जी का अर्चन करना बहुत श्रेयस्कर होता है। तदुपरांत हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। कन्या राशि वाले जातक या जातिकाओं को भगवान शिव, देवों के देव महादेव का पूजन करना श्रेयस्कर होता। श्रावण का पवित्र पावन माह चल रहा है, जो शेष सोमवार बचे हैं उसमें भगवान शिव का पंच तत्वों से अभिषेक करें, दूध दही घी शक्कर शहद इत्यादि से, तो इनके जीवन में समस्याओं का निदान होता है। हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य और सिंह राशि वाले जातक या जातिकाओं को भगवान हनुमान जी महाराज की शरण लेनी चाहिए। भगवान हनुमान जी महाराज का पूजन व्रत इत्यादि दर्शन से इनके जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का अंत होता है। सिंह राशि के बाद हम पुनः बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी जो होता है बुध होता है। कन्या राशि वाले जातकों को भगवान मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य गणेश भगवान का पूजन करना, गणेश भगवान को दूर्वा से अर्चन करना, गणेश भगवान को जल दूध और दूर्वा से अभिषेक करना इनके लिए श्रेयस्कर होता है। हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि का जो स्वामी होता, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। तुला राशि वाले जातक या जातिकाओं को भगवान विष्णु का पूजन करना श्रेयस्कर होता। विष्णु भगवान का पूजन, गुरुवार का व्रत इत्यादि करने से इन्हें लाभ प्राप्त होता है। तुला राशि के बाद हम पुनः बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। वृश्चिक राशि वाले जातक या जातिकाओं को भगवान हनुमान जी महाराज का पूजन करना, शनिवार का व्रत करना इनके लिए श्रेयस्कर होता है। मंगल वृश्चिक राशि के उपरांत हम बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। धनु राशि वाले जातक या जातिकाओं को
भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना श्रेयस्कर होता है, श्री कृष्ण की आराधना, कृष्ण अर्चन, दर्शन, पूजन इत्यादि से इन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है। धनु राशि के बाद हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि का जो स्वामी होता है शनि होता है और मकर राशि वाले जातक या जातिकाओं को भगवान शिव का पूजन करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का पूजन आराधना करने से ये अपने जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तदुपरांत मकर राशि के बाद हम आते पुनः कुंभ राशि में। कुंभ राशि का जो स्वामी होता है शनि होता है। कुंभ राशि वाले जातकों को भगवान शनि देव का पूजन, शनि देव की आराधना, शनि भगवान को तेल से अभिषेक करना इनके लिए श्रेयस्कर होता है। तदुपरांत हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी गुरु होता है और मीन राशि वाले जातक या जातिकाओं को भगवान श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी महाराज का पूजन करना इनके लिए शुभ और फलदायी कहा गया है। ये हमारी पाठक है रुचिका त्रिवेदी जी, उनको अपने पति के लिए जानना चाहती हैं। उनकी राशि धनु है, वो पूछना चाहती हैं कि उनके पति कोई भी काम करते हैं तो उनमें सफलता प्राप्त नहीं होती, हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, उनके लिए कोई उपाय धनु राशि के हैं। वैसे धनु राशि वाले, अभी मैंने कुछ समय पूर्व राशि के विवरण आपको दिए हैं। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, इनको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार के दिन जल में हल्दी मिला के भगवान सूर्य को जल अर्पण करें और भगवान बृहस्पति देव का पूजन करें एवं केले के वृक्ष पे एक घी का दीपक लगा के अपने पति के जीवन की समस्याओं का से मुक्ति प्राप्त कर सकती है। ये अमित श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने पूछा है कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, कहीं एक जगह स्थिर नहीं रह पाता अपनी मेहनत करने के बाद में, कोई उपाय बताएं जिससे स्थिर स्थायी। अमित के विषय में जैसे इन्होंने कहा, मैं इसमें राशि से हटके थोड़ा सा विषय से हटके बात करता हूं कि क्योंकि ये भिन्न भिन्न प्रश्न आ रहे हैं, इसमें कॉन्सेंट्रेशन वाली बात आ रही, स्थिरता वाली, कि इनके जॉब में स्थिरता, कार्य क्षेत्र में स्थिरता नहीं रहती। तो अभी मैंने पहले, सबसे पहले जब ये कार्यक्रम शुरू कर रहा था तो ग्रह हुए कार्य तत्व में हमने बात करी थी। तो वैसे सूर्य की स्थितियों को देखते हुए, सूर्य आत्म तत्व का कारक है, जहां आत्म स्थिति बलवान है, जन्म कुंडली में नहीं होगी तो उसके कारण व्यक्ति के जीवन में अनिश्चित तौर पर अस्थिरता प्राप्त होगी। इनको बोले कि ये भगवान सूर्य की आराधना करें, भगवान सूर्य को मीठा जल रविवार को अर्पण करें, रविवार को कोई कन्या को मीठी वस्तु प्रदान करें और बन जाए तो भगवती नर्मदा का दर्शन पूजन करने से इनको निश्चित तौर पे स्थिरता जीवन में प्राप्त होगी। ये योगिता जी का एक नया सवाल है कि उनके हिसाब से कौन सा रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए जो मीन राशि के लिए रत्न या उपयंत्र कोई बताए। मीन राशि वालों के लिए यदि हम रत्न की बात करें, मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, इनको इनका मुख्य जो रत्न होता है वो पुखराज होता है। यदि पुखराज नहीं है तो इनको उपरत्न के विषय में हम बात करें तो ये सुनेला धारण करके अपने जीवन की समस्याओं का अंत ले सकती हैं, अंत प्राप्त कर। छतरपुर से हमारे पास रागिनी अग्रवाल जी का मैसेज आया है, उन्होंने पूछा है कि उनकी बेटी का जन्म 18 मार्च 1985 को सुबह 9:15 बजे हुआ था, विवाह कब तक होगा, ऐसा कुछ बता सकते हैं कि उसके लिए कुंडली देखना होगा। वैसे प्रश्न लग्न से भी ज्योतिष में भिन्न देखने के भिन्न भिन्न अंग होते हैं। तत्कालिक प्रश्न लग्न में जो लग्न गोचर कर रही हैं अभी जन्म कुंडली के आधार पर नहीं, मैं इनका प्रश्न का उत्तर प्रश्न लग्न से निश्चित तौर पर दे सकता हूं। वर्तमान में जो लग्न गोचर कर रही है, लग्नाधिपति इनके निश्चित तौर पर 2-3 साल से ये विवाह को लेकर निरंतर परेशान हो रही है। इनकी जन्म कुंडली में सप्तम स्थान विवाह स्थान कहा गया, जिससे जातक या जातिका का विवाह संपन्न होता है। सप्तम स्थान में जो शुक्र की स्थिति गड़बड़ हो रही है, इसके कारण इनके विवाह में विलंब हो रहा है। इनको बोले कि थोड़े से शुक्र से संबंधित उपाय करने का प्रयास करें। शुक्रवार के दिन 16 सिंगार की वस्तु सात शुक्रवार आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को अर्पण करें, कन्याओं को मीठी वस्तु प्रदान करें एवं गुरुवार वाले दिन हल्दी मिले जल से ये स्वयं स्नान करें। इनके विवाह का जो प्रश्न लग्न के आधार पर इनका जो प्रश्न आ रहा है, प्रश्न लग्न के आधार पर इनका जो शुभ मंगल विवाह है 2018 के दिसंबर के माह से मार्च के माह के बीच में इनका मंगल विवाह जन्म स्थान से उत्तर दिशा की ओर संपन्न होने के प्रबल योग बनते हैं। गायत्री लाहौटी जी का प्रश्न है कि रुके हुए पैसे प्राप्त करने के लिए कोई ज्योतिषी उपाय है। रुके हुए उपाय के लिए बहुत ही उत्तम उपाय हमारे यहाँ बताया गया है। धन की जो आधिपति देवी है वो भगवती लक्ष्मी है। महालक्ष्मी का एक बहुत सुंदर मंत्र है, ओम श्रीम 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 कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र का जो निश्चित तौर पे आश्रय लें, भगवती लक्ष्मी का शुक्रवार वाले दिन भगवती लक्ष्मी को लाल पुष्प से कमल गट्टे से पूजन करके ये अपने रुके हुए धन को पुनः प्राप्त कर सकती है। रुचिका जी ने पूछा है, जिन्होंने अभी पति के लिए पूछा था, उन्होंने पूछा है क्या उनको कोई शनि की 7:30
चल रही है, अगर चल रही है तो कब खत्म होगी? रुचिका जी से मेरा पुनः प्रश्न है कि वो थोड़ा सा पुनः अपने पति की जो वास्तविक राशि है उस विषय राशि के विषय में बताएंगे, उसके आधार पे हम 7:30 चल रही है नहीं चल रही, क्योंकि ये गणनाओं का विषय है। तो गणनाओं का विषय जब तक अपने सामने गणनाएं नहीं होती तो बिना आधार के किसी भी विषय पर प्रलाप करना अनर्गल होता है। इसलिए इनसे निवेदन है कि पहले वो अपने पति की राशि निश्चित करके बताएं कि जन्म कुंडली से उनकी कौन सी राशि निर्धारित होती है, उसके आधार पर हम बताएंगे कि इनको 7:30 है या नहीं और कौन से उपाय इनको करना चाहिए। अभी अमित जी ने सवाल पूछा था, उनकी प्राइवेट जॉब है, अब वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट जॉब में जाने के कोई योग है या किसी ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाएंगे? अमित जी का जो तत्कालिक, मैंने पुनः अभी आपको पुनः एक बार दोहरा देना चाहूंगा, ज्योतिष में देखने के भिन्न भिन्न विषय होते हैं। अभी मैं अमित जी की जन्म कुंडली तो हमारे पास स्थित उपस्थित नहीं है, परंतु ज्योतिष में एक प्रश्न लग्न का विषय होता है, जिस लग्न में जिस काल में जिस घड़ी में उनका प्रश्न आया उस तात्कालिक प्रश्न से इनके उत्तर हम देने का प्रयास करते हैं। देखिए जन्म कुंडली में शासकीय सेवाओं का विषय जो है वो दशमस्थ स्थान से देखा जाता है। वर्तमान में प्रश्न लग्न में जो ग्रह गोचर की स्थितियां चल रही है, ग्रह गोचर में इनका लगने में सूर्य के साथ बुद्ध की युति बन रही है, इसको ज्योतिष की लैंग्वेज में हम बुद्ध आदित्य योग कहते हैं। यदि ये अथक प्रयास करेंगे तो इनको जीवन में शासकीय सेवाओं के योग बहुत प्रबल बनते हैं। इनकी शनि की स्थिति लगने में मजबूत होती है प्रश्न लगने के आधार पे। यदि ये रेलवे के गवर्नमेंट रेलवे के कॉम्पिटेटिव एग्जामों की प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर रेलवे के क्षेत्र में इनको शासकीय सेवाओं में सफलता मिलने के प्रबल योग निर्धारित होते हैं। जैसा कि अभी महाराज जी जानना चाहेंगे, अभी कुंडली और योगों को लेकर बहुत बड़े बड़े आडंबर और आयोजन होने लगे हैं, जो कि कहीं ना कहीं भ्रांति है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे भय फैलाने का काम है। इन भयों से बचना हो तो किस तरह से अपनी कुंडली दिखाएं या किस तरह से विश्वास करें? देखें, ज्योतिष पुनः मैं दोहराना चाहूंगा, ज्योतिष कोई भय का विषय नहीं है, परंतु भ्रांतियां इसलिए उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि जो सही मार्ग बताने वाले हैं या जो वास्तविकताओं में जिनके पास ज्योतिष का वास्तविक ज्ञान है उनके पास लोग नहीं पहुंच पाते हैं। उनके पास ना पहुंचने के कारण लोग भिन्न भिन्न, जिनको कुछ ज्योतिष संबंधित कुछ ज्ञान नहीं होते, भिन्न भिन्न भ्रांति फैलाते हैं। भ्रांति फैलाने के कारण भिन्न भिन्न आडंबरों में लोग फंस जाते हैं, अपने तन मन धन सबकी हानि करते हैं। तो जिस तरह से हम चाहें, यदि मन की शांति या किसी तरह से हम अपने तन स्वस्थ शांति मन तन मन धन परिवार सुख शांति के लिए, तो रोजाना किस तरह का पूजन करना श्रेयस्कर रहेगा सभी राशियों के लिए? देखें, यदि हम मल्टी बात करें, आपने अभी ये प्रश्न बहुत उत्तम करा, अभी केवल अपन एक एक पर्टिकुलर राशि के विषय में बात कर रहे थे, अभी आपने एक बहुत सटीक प्रश्न, इस प्रश्न की बड़ा प्रशंसनीय है, सराहनीय है, क्योंकि हर व्यक्ति दैनिक आराधनाओं में देवताओं के आराधनाओं में लगा रहता है। अभी आपने जो कहा कि तन मन धन शारीरिक आर्थिक मानसिक परेशानियों के विषय की यदि हम बात करें कि सब सारे जातक जातिकाओं को इन समस्याओं के निदान के लिए किन किस प्रकार का पूजन इत्यादि संक्षिप्त में करना चाहिए। देखिए, भगवान सबसे प्रथम है कि भगवान जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो भगवान सूर्य का पूजन आकृष्ण तथा वर्तमानो निवेशयन मृत्यु मृत्यंचो हिरण्येन सविता रथेनो देवो याति भुवनानि पश्यन्नो। भगवान सूर्य की आराधना करने से बल बुद्धि तेज की प्राप्ति होती है, बन जाए तो अपने इष्ट अपने उपासक अपने आराध्य का भी निरंतर नाम का चिंतन करेंगे, क्योंकि कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में ना योग है ना तप है ना साधन है ना उपासना है, केवल भगवान के नाम अपने इष्ट अपने उपासक अपने आराध्य के नाम का चिंतन करने से उन हमारे जीवन में शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से हमें निर्वृत्ति प्राप्त होती है। ये तो रही बात अपनी कि हम किस तरह से करें आगे उपाय, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है लोग विभिन्न कई देवी देवताओं को एक साथ पूजन करते हैं और वो भ्रमित होते हैं, उन्हें किस तरह से पहचाने को उनके लिए कौन सा? जो आपने अभी मेरे से प्रश्न किया कि भिन्न भिन्न राशि वाले जातक या जातिकाओं को क्या पूजन इत्यादि करना चाहिए, ये आपका भी वर्तमान में प्रश्न था, तो भिन्न भिन्न राशि वालों के लिए भी मैंने पुनः पुनः प्रश्न किया, अभी मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको इस प्रश्न का मैंने संक्षिप्त में उत्तर दिया है कि भिन्न भिन्न राशि वाले भिन्न भिन्न जातक या जातिकाओं को जो है जो उनकी जन्म कुंडली के आधार पर इष्ट हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुंडली राशि से इष्ट देवताओं के विषय में बात करी है, उन इष्ट देव से संबंधित यदि वो जीवन में पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, तो उनके जीवन की जटिल समस्याओं का अंत निश्चित तौर पर होता है। पूछा है उनकी बेटी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, बेटी के स्वास्थ्य से डॉक्टरों को दिखा चुकी हैं, उसके बावजूद उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कोई उपाय? रागिनी जी से मेरा एक प्रश्न है कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर को दिखा चुकी हूं, परंतु मैं क्या उनसे पूछना चाह रहा हूं मेडिकल साइंस में जो उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिए, क्या उस बच्ची को क्या वो दवाइयां भी शरीर में नहीं लग रही है?
हाँ ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ यदि है तो वह भी मैंने कहा है कि जो भी मैंने महामृत्युंजय मंत्र के विषय में बात करी है उसमें अमृत संजीवन महामृत्युंजय मंत्र, अमृत यानी अमरता, संजीवन यानी नया जीवन, और पुरातन सब भाषा में अपभ्रंश की भाषा में संजीवन को हम औषधि भी कहा करते थे। अमृत संजीवन मंत्र का जो नियमित पाठ करें, रुद्राक्ष का नियमित जल का सेवन करें, रुद्राक्ष भगवान शिव का ही स्वरूप कहा गया, भिन्न भिन्न प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, भगवान शिव के पंचमुखी रुद्राक्ष का जल का नियमित सेवन ये करें, इससे इनके जीवन की जटिल से जटिल स्वास्थ्य संबंधित व्याधियों में इन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। आरती दुबे जी हैं हमारे साथ भागलपुर बिहार से, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा है मानस गौतम, उसकी 6 अगस्त 2000 सन 2000 में उसका जन्म है, 1:30 बजे दोपहर का, वो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मानस की सिंह राशि, नाम से नाम के आधार पर सिंह राशि होती है, पंचम स्थान जन्म कुंडली में शिक्षा का होता है और बुद्धि को साग्रता का होता है। इनकी जन्म कुंडली में पंचम स्थान में बुध की स्थिति थोड़ी सी बेहतर नहीं हो रही है, इनको पढ़ाई बच्चे के पढ़ाई के योग तो वैसे प्रबल हैं, बुद्धिमत्ता अच्छी है, परंतु इस बुद्धि का ये बालक प्रयोग नहीं करता, इसलिए बुध से संबंधित कुछ उपाय करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को जल दूर्वा दूध से अभिषेक करें, दूर्वा डाल के जल से स्नान करें, बन जाए तो खड़े मूंग के दाने सिर से उतार के सड़क पर डालें, किसी कन्या गरीब को कुछ वस्तु खाने के लिए बुधवार के दिन लिए दें, जिससे इनके जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति तरक्की के बहुत ही प्रबल योग निर्धारित होंगे। अभी जैसे महाराज जी आने वाले समय में रक्षाबंधन आने वाला है, तो किस तरह किस राशि वालों के लिए कौन सा रंग उचित रहेगा, किस राशि के भाइयों को किस रंग की राखी या रुमाल अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ? वैसे राखी के विषय पे अभी हम राशि बताते हम बात करते हैं, मेष राशि वाले जो जातक या जातिका हैं उन्हें लाल रंग की राशि का धारण करना, रक्षा सूत्र एन बद्धो बली राजा दायनवेंद्रो महाबला तेरत्वं प्रतिपदनामी रक्षे माचल माचलो, रक्षाबंधन का पवित्र पावन पर्व है। इस दिन किस राशि के जातक जातिकाओं को कौन सा रंग की राखी पहनना अच्छा होगा, मैंने मेष राशि की बात करी, मेष राशि वाले जो जातक हैं क्योंकि राखी जो वह रक्षा सूत्र कहलाती है, रक्षा सूत्र कहलाती है, जो साल भर अपने भाई अपने बहन जो है अपने भाई की कलाई में मानती है और साल भर उसकी रक्षा की मन में कामना करती है कि हमारा भाई दीर्घायु हो, यशस्वी हो, तरक्कीवान हो, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए लाल रंग की राशि बांधना श्रेयस्कर होगा। वृष राशि वाले जातकों के लिए श्वेत रंग की राशि उत्तम होगी और उसके उपरांत मिथुन राशि वालों के लिए हरे रंग की राशि बांधना श्रेयस्कर होगी। कर्क राशि वाले पुनः श्वेत रंग में आएंगे और सिंह राशि वाले जातकों के लिए गुलाबी रंग की राशि बांधना शुभ होगी। कन्या राशि वाले जो जातक होंगे उन कन्या राशि वाले जातकों के लिए पीले रंग की राशि बांधना श्रेयस्कर होगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए क्रीम रंग की राशि राखी बांधना श्रेयस्कर होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पुनः लाल रंग की राशि उत्तम मानी गई है। तदुपरांत धनु राशि वाले जातकों के लिए पीत रंग की पीले रंग की रक्षा सूत्र बांधना श्रेयस्कर कहा गया है। तदुपरांत मकर राशि वाले जातकों के लिए आसमानी कलर की राशि राखी बांधना उत्तम होगा। तदुपरांत कुंभ राशि वाले मकर राशि की जाले वाले जातकों के लिए आसमानी रंग की, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पीत रंग की, तदुपरांत मीन राशि वाले जातकों के लिए क्रीम कलर की राशि बांधना श्रेयस्कर होगा। हमारे पास कल्लू अग्रहरि जी का मैसेज आया है, उन्होंने पूछा है उनके ऊपर बहुत सी उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं चल रही हैं जिनका कोई समाधान नहीं हो रहा, कोई ज्योतिषीय उपाय? कल्लू जी से, यदि उनका नाम कल्लू जी से उनकी राशि होती है मिथुन, मिथुन राशि का आधिपति देवता जो होता है वो बुध होता है और मिथुन राशि वाले कल्लू जी को अपने जीवन में एक गोमेद रत्न राहु के लिए एक गोमेद रत्न ये धारण करें, बन जाए तो किसी गरीब को बुधवार के दिन कुछ वस्तु खाने के लिए प्रदान कर दें, एवं वो किसी जलाशय के तट की जो रेत है अपने सिरहाने रख के विश्राम करने से ही अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और फरेब और भय से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रह मित्र हैं, कुंडली में कोई दोष नहीं, लेकिन भय ना करें, यह मित्रता का विषय है और यह आपके आगे बढ़ने के लिए सफलतम रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम पाठकों से और अपने दर्शकों से भी अब आज्ञा चाहेंगे।